13 मार्च से धामी सरकार के बजट सत्र की शुरुआत गैरसैंण में हो रही है, जिसको लेकर विपक्ष के द्वारा ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण पर सरकार की अनदेखी का आरोप लगाया जा रहा है, जिस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ग्रीष्मकालीन राजधानी बीजेपी सरकार ने ही घोषित की है और उसी के अनुसार वहां पर समग्र विकास का ढांचा तैयार किया जा रहा है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में कभी भी गैरसैंण और पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए कोई भी कार्य नहीं किया। वो सिर्फ खनन माफिया और चरम माफियाओं को बढ़ावा देने का काम करते हैं। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है कि केवल आरोप लगाने की आदत पड़ गई है, राज्य के विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है और मुझे लगता है कि उन्हें ध्यान नहीं है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी इस राज्य की भारतीय जनता पार्टी ने ही गैरसैंण को घोषित किया है। अब पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि गैरसैंण को किस तरह से जो अवधि 6 माह या अथवा जितनी भी अवधि है उस माह में वहाँ राजधानी रहे, इसके लिए किस तरह से वहाँ का ढांचागत विकास हो, इसके लिए पूरी योजनाएं तैयार की जा रही हैं। चलिए आपको बता दें कि 13 मार्च से धामी सरकार के बजट सत्र की शुरुआत गैरसैंण में हो रही है, जिसको लेकर विपक्ष के द्वारा ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण पर सरकार की अनदेखी का आरोप लगाया जा रहा है। लगातार जो हम देखते हैं, जब भी ऐसे बजट सत्र आते हैं तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहता है और इसी के साथ इस खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, 13 मार्च से धामी सरकार का बजट सत्र शुरू होगा, गैरसैंण में बजट सत्र की शुरुआत होगी और विपक्ष ने अभी से अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है और अनदेखी के आरोप जो है विपक्ष लगा रहा है। जी रश्मिता, देखिए अगर बात करें विपक्ष की, लगातार 13 तारीख को जो ये बजट सत्र हो रहा है उस पर लगातार जो है कमर कस रखी है और सरकार को घेरने की बात यहाँ पे लगातार चल रही थी। विपक्ष का कहना था कि गैरसैंण का जो है जो राजधानी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, इस पे भी कहीं ना कहीं जो है जो धामी सरकार है वो यहाँ पे अनदेखी करती जा रही है। जो राजधानी की बात थी वहां पे हमेशा जो है बजट होना चाहिए था, परंतु जिस तरीके की बात है, वहां के लोगों की बात है, वहां के रोजगार की बात है, वहां तमाम चीजों पे लेके अनदेखी हो रही है। इसको लेकर बाकायदा जो भाजपा के जो प्रवक्ता है उन्होंने जो है जवाब दिया। उनका कहना था कि कांग्रेस ने अपने 10 साल की राजनीति में कभी गैरसैंण की तरफ ध्यान नहीं दिया, विकास कार्यों की बात की और जो बजट सत्र की बात है, बाकायदा धामी सरकार ने आम जनमानस से जो है बजट किस तरीके का होना चाहिए तमाम बातों पे लोगों को, सब लोगों के जो है यहाँ पे साथ लेके बजट पे चर्चा की है और तमाम लोगों की राय के साथ ये बजट सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको देहरादून से खबर बता रहे हैं, जहां 13 मार्च को बजट सत्र की शुरुआत तो होने जा रही है और इसके पहले ही जो है विपक्ष द्वारा आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अभी से शुरू कर दिया गया है। अलग 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 राज्यों के भी हमने बजट सत्र देखे तो लगातार हंगामे की खबरें देखने को मिलती है। अब देखना खास ये होगा कि ये बजट सत्र कितने सुचारू रूप से सामने आता है।